अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर और क्रिकेटर उमर अकमल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। उमर अकमल ने एक बार फिर मिकी आर्थर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उनका कैरियर ख़राब किया। उन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी और मकामी कोचेज़ ने मेरी हमायत नहीं की। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल के इल्ज़ाम पर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर का रद्दअमल भी सामने आ गया है। समाजी राबते की साइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में मिकी आर्थर ने उमर अकमल को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें आईना देखना चाहिए। इससे कबल उमर अकमल ने अगस्त 2017 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मिकी आर्थर ने उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की, गालियां दीं और कहा कि आपको कौमी अकेडमी में दाखिल होने की इजाज़त किस दे दी, जाकर क्लब क्रिकेट खेलें। मिकी आर्थर ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि उन्होंने उमर अकमल को कोई गाली नहीं दी, वो झूठ बोल रहे हैं।